अलीराजपुर जिले के जोबट में चुनाव को लेकर हलचल तेज होती नजर आ रही है। शनिवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस बीजेपी नेताओं में होड़ मची हुई है। शनिवार को जहां बीजेपी से जोबट मंडल अध्यक्ष रमेश डावर ने नामांकन फॉर्म लिया, वहीं कांग्रेस से सुरपाल अजनार ने नामांकन फॉर्म लिया है। आपको बता दें कि सुरपाल अजनार ने जोबट विधानसभा के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा था। वहीं पार्टी आलाकमान ने जोबट विधानसभा से सेना पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस से बागी होकर सुरपाल अजनार अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म लेने जोबट तहसील कार्यालय पहुंचे और नामांकन फॉर्म लिया। वहीं सुरपाल अजनार ने कहा कि पार्टी भी फॉर्म देती है तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिससे कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में नुकसान होता दिख रहा है। वहीं सुरपाल अजनार के बागी होने के बाद गुजरात से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने के लिए पहुँच रहे हैं। उसको लेकर आपका पहले तो मैं मीडिया साथियों को मेरा धन्यवाद देता हूँ, और ये रही बात आप मीडिया चैनलों के माध्यम से, वो एक ही गांव का बताया गया है, देवलाई पंचायत का दिया गया है, लेकिन वो देवलाई पंचायत का नहीं है, 10-12 गांव का वीडियो बना हुआ है, उसमें एक गांव का सवाल नहीं है उसमें। और रही बात ये सेना पटेल, आज तक कोई या आम आदमी उसको पहचानते भी नहीं है, और उसको बूथ कहाँ है और कौन कार्य करता है वो ही नहीं मालूम है, और वो चुनाव जीतने का 25,000 का दावा कर रही है, वो कैसे चुनाव जीतेगी? हम तो इसका कोई काम करने वाले नहीं है। एक घर में दो टिकट दिया गया है। कमलनाथ जी ने क्या बोला था कि परिवारवाद खत्म, तो कहाँ गया परिवारवाद? अभी बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक परिवार में दो टिकट कैसे दिए। अब ये सेना पटेल जवाब दे उनको कि कैसे टिकट खरीदा गया कि बेचा गया, सवाल जवाब उनसे पूछो। हम पूछना चाहते हैं सेना पटेल जी को, कितने पैसे दिए? देखिए, हमने हमारी बात रखी है, ये हाईकमान को फैसला करना है, हाईकमान कहाँ तक उसको सत्यता पे लेती है, लेकिन हमको ऊपर से जो जानकारी है कि जोबट विधानसभा को पूर्ण विचार के लिए रखा गया है। जैसे कि माला में पिछले कई वर्षों से हम कांग्रेस पार्टी के अंदर रेगुलर पार्टी की गाइडलाइन के आधार पर जो जो काम बताए, पार्टी के निर्देशों से हम काम करते आ रहे हैं। उसी तरह हमने कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी रखी थी, पार्टी का अभी सूची में नाम किसी दूसरे का आ गया है, लेकिन हमारी इच्छा है पार्टी से फॉर्म भरने की, तो हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से फॉर्म भरा है अभी, और अगर पार्टी इसमें बी फॉर्म देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर आगाज कर दिया है, क्या कहेंगे आपकी जीत का दावा कैसे करते हैं उसको लेकर? जीत का दावा मेरे साथ में क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ता, नेता मेरे साथ हैं, और मैं निश्चित रूप से जोबट विधानसभा क्षेत्र में मैं अच्छे से हमारे कार्यकर्ता और सबके साथ में प्रचार करके निश्चित रूप से हमारी जीत हासिल होगी। निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे? अगर बी फॉर्म नहीं आता है तो हमारा फॉर्म सो तो ही निर्दलीय होगा, और निर्दलीय हो जाएगा तो हम तो हमारे ब्लड में ही कांग्रेस है, और हम जीत के कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रत्याशी ने एक बात कही जिसमें 25,000 ज़्यादा से वोट जीतने की बात वो कह रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, टेबल पे बैठ के एक आंकड़ा निकाल लेने से चुनाव नहीं जीता जाता है, मैदान में काम करना पड़ेगा, और पार्टी ने जिसको टिकट दिया है उन्होंने जो अपने जोबट विधानसभा में 325 बूथ है उनसे पूछिए कि बूथ देखे क्या आपने, बूथ ही नहीं देखे उन्होंने। हमारे क्या कि स्थानीय के लिए थी, पर ये नाराज़ी इसलिए दिख रही है कि हमको जोबट विधानसभा के महेश पटेल को, सेना पटेल को दे रहे हैं, इसलिए हमको नाराज़ी है। और वो कमलनाथ जी और वह दिल्ली केंद्र बैठक में स्मार्ट कमेंट में क्या ये कहा था कि जो 3 बार हरेले को टिकट नहीं देंगे कहा था, और एक परिवार से 2 को नहीं देंगे कहा था, ये तो एक वो मुकेश को भी दे दी और इन सेना पटेल को भी दे दी एक ही परिवार में। हम तो बिल्कुल विरोध करेंगे, और हम जी जहाँ लगा के हमको समर्थन में कहा निर्दलीय उम्मीदवार जो हमारा खड़ा सुरपाल भाई ओड़ा, तो उसको जी जहाँ से लगाने के वो जिताने की हमारी पूरी संभावना है, और टिकट अगर चेंज करते हैं तो स्वागत है। कितने वोट से जीत का दावा करते हैं सुरपाल अजनार को लेकर? हम ये दावा करते हैं कि 20,000 की लीड से ऊपर से जीतेंगे। जिस प्रकार से पहले भी चुनाव को लेकर जो बातें कही गई थी उसे लेकर सुरपाल अजनार को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले क्या कि हमारा वो सभी का समूह था और एकजुट होकर कांग्रेस को हम चला रहे थे, और ये क्या कि अभी गुटबाजी इन्होंने कर दी, और मैं जिला कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ पूर्व का।
पूर्व जिला अध्यक्ष है और मेरे को भी हटाया गया इन्होंने। हमारा नामांकन को लेकर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी तय करती है और अभी जब भी तय करेंगे, जो भी हमारे संगठन तय करेंगे हम उनके साथ। कांग्रेस आरोप लगाने वाली पार्टी है, उन्होंने क्या है हमारे किसानों को डिफाल्टर करने का काम वचन पत्र के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, 1.5 साल हो गए कर्जा माफ़ नहीं हुआ है, तो आरोप लगाने वाली चीज़ है। और कांग्रेस को एक भी मुद्दा नहीं, 1500 वचन पत्र में दिया, गोबर बेचने का दिया, ढोलक बजाने का दिया, ये उनके वचन पत्र में, उसको लेकर जनता के पास जाएंगे, जनता इनका विरोध करेगी। सुरपाल अजनार ने भी आज फॉर्म भरा है, किस हिसाब से देखते हो आप? सुरपाल अजनार का निजी मामला है, वो कांग्रेस का महासचिव है और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी से कोई कुछ नहीं कर। क्या है कांग्रेस को इस विधानसभा में कोई कैंडिडेट मिलता ही नहीं, इसलिए कभी झाबुआ से कभी अलीराजपुर से लाकर लड़ाना पड़ता है। और एक स्वाभिमान की बात है कि यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए था, उसके भी हम समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस को मिलता ही नहीं, ये बहुत दुख की बात। अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट।